फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में पालक तो होती है पर हमें आलू पालक या पालक पनीर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लहसुनी पालक की सब्जी, जिसके छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी सब्जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी लहसुनी पालक बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बंच पालक और इसे अच्छे से धोकर के इसका मोटा वाला डंठल मैंने काट लिया है। तो अब हमें इसे ब्लांच करना है। तो ब्लांच करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है और जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक। चीनी डालने से पालक का कलर हरा ही बना रहता है। और अब हम इसमें ये पालक डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सारा पालक मैं डाल दे रही हूँ। इसे मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट हमें ब्लांच करना है। ज़्यादा देर हम इसे ब्लांच नहीं करेंगे, नहीं तो इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गया है, ये अच्छे से ब्लांच हो गया है। तो अब हम इसे निकाल करके बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी मैंने यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम अपने पालक को। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है कि इसका कलर ऐसे ही हरा बना रहता है। और अब हम इसे जो है पीस लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पानी को इसमें से अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पानी ना रहने पाए और इस तरीके से हम इसे मिक्सी में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे पालक का ये बचा के रखूँगी, इसे हम काट करके यूज़ करेंगे। तो इसे साइड कर देते हैं और बाकी के बचे हुए पालक को हम पीस लेते हैं। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो पालक को मैंने यहाँ पे पीस लिया है और अभी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालूंगे और साथ में डालेंगे 1 चम्मच घी। और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो 1 तेज़पत्ता, 1 छोटी इलायची, 1/2 इंच है यहाँ पे दालचीनी, 1/2 चम्मच है यहाँ पे जीरा और थोड़ी सी है हींग। इन सबको हम अच्छे से चटका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जब ये चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, क्योंकि ये लहसुनी पालक है तो थोड़ा लहसुन ज़्यादा डालेंगे हम। और इसको हल्का सा चला करके डाल देंगे 1/2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और जब ये सब भुन जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम 1 बारीक कटी हुई प्याज और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो चलिए इसे भून लेते हैं। तो जब प्याज यहाँ पे भुन जाए तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन, जो कि रेस्टोरेंट और ढाबे वाले ज़रूर डालते हैं, उनका ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा नटी फ्लेवर आता है और साथ में हमारा पालक थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। तो इसे भी हमने अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तब हम इसमें मिला देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ रेड चिली पाउडर। ज़्यादा रेड चिली पाउडर हम नहीं डालेंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हम कोरिएंडर पाउडर और 1/4 चम्मच है गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल आप मीडियम कर दीजिए और इसे 1/2 सेकंड के लिए भून लीजिए। और जब हमारा मसाला भून जाएगा तो हम डाल देंगे इसमें पालक जो हमने बारीक कटी हुई रखी थी। जो हमने पालक बचाई थी उसे बारीक मैंने काट लिया था और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये देखिए, पालक यहाँ पे भुन गई है। तो अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे हमारा पालक का पेस्ट। तो ये सारा पेस्ट मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है। तो चलिए इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए, पालक यहाँ पे अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें मिला देंगे पानी। तो लगभग मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं और ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो पानी मिलाने के बाद हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक बॉयल होने देना है। तो चलिए इसे बॉयल होने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और पालक अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। 3 से 4 चम्मच मैं फ्रेश क्रीम डाल दे रही हूँ। अगर फ्रेश क्रीम आपके पास ना हो तो आप घर की मलाई डाल सकते हैं या फिर दही भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम 2 मिनट इसे और पका लेंगे। तो 2 मिनट पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है क्योंकि पालक में थोड़ा सा नमक पहले से ही हमने डाल रखा था। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट और पका लेंगे। और हमारा यहाँ पे पालक बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर हमें एक अच्छा सा तड़का और लगाना है जिससे ये मस्त लहसुनी पालक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक तड़के वाला पैन गरम कर लिया है। इसमें डाल दे रही हूँ मैं घी। 1.5 चम्मच घी डाल दिए मैंने। घी गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली है, ड्राई रेड चिली, और बारीक कटा हुआ 10-12 लहसुन। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, जिससे ये तड़के का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गया है लहसुन हमारा, इसे बुझा देंगे और अब हम अपने पालक के ऊपर ये तड़का लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से तो बन गया हमारा यहाँ पे लहसुनी पालक बिल्कुल ढाबा स्टाइल। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे एक लेमन का जूस, जब हम बुझा दें इसे तब हमें इसमें लेमन का जूस डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही यमी टेस्टी सा ये लहसुनी पालक बनके तैयार होता है, बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट्स में जैसे आपको खाने को मिलता है वैसे ही ये बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स पालक पनीर और आलू पालक तो हम अक्सर ही बना के खाते हैं, एक बार आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।